और इस कार्यक्रम में सीनरी नहीं पहुंच पाती है, वहां पर भक्त के साथ मैं कहता हूं जो हम एक कुमार ढूंढना मुस्तैद रहते हैं, चाहे वो 11 बजे रात हो या 1 बजे रात हो, आफत हो विपत हो कहीं भी, इन्होंने हर समय रीगा विधानसभा के कदम से कदम मिलाकर चलने का उन्होंने जो एक लौटा काम किया है, भक्त है हमारे ऐसे विधायक पर और गौरवान्वित है रीगा विधानसभा की जनता। जितनी है ऐसी जो आज तक के एंकर चित्रा त्रिपाठी, रूबिया लियाकत एबीपी न्यूज के एंकर, उनकी काज किसान की आवाज को उठाते हैं, यहाँ तो क्या किया में क्या विधानसभा में इनकी आवाज कुछ भी है कि किसानों का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। हमारे माननीय विधायक बिहार विधानसभा में किसानों के हित के लिए आवाज उठाए थे, तो हम तो भाई विपक्ष में है, विपक्षी की आवाज को कौन सुनता है। ये दवा रखता है बहुत कुछ हुआ, 12 दल के नेताओं ने कृषि बिल का विरोध किया था, लेकिन उपसभापति श्री हरिवंश जी ने ध्वनि मत से इसको पारित कर दिए हैं। मैं भी
के विधायक, आप जो विधायक है, आप बोलिए अपने लोगों से, विपक्षी से, आओ खुला चैलेंज बैठ के डिबेट कर लो काम का या नहीं। हर बात में अगर हमारे साथ बात करने में सर क्या, हमारे साथ डिबेट में सर क्या, तो मैं चुनाव नहीं लूंगा, छोड़ के चला जाऊंगा। फिर आपको जो उभर रहा था उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसका जांच होना चाहिए था, उसकी आवाज हम लोगों ने उठाई, जांच हुआ, जांच होते रहना चाहिए था। लेकिन चार महीना से मीडिया पे जनता को हंगलाने का जो काम किया, आपको जागना पड़ेगा, आपको जगाना होगा, आपको जगाना लोग निगाह में हमेशा धंधा कराने का काम किया किए, हमेशा इस बार 5 साल में कितना प्रयास किया, आपसे छिपा हुआ नहीं है। कोई झंडा हो, कोई मुहर्रम हो, कोई दुर्गा पूजा हो, हर दम उन्होंने विस्फोटा चलाने का काम किया। उसमें भी आपको आगे बढ़ के बोलना होगा, जात पात की बात नहीं कीजिए, जात पात से नहीं होता है, हर धर्म हर आदमी को अच्छा होगा। उस दूसरे का चुनाव देखिए, पूरे रीगा विधानसभा में 125 मंदिर मस्जिद ढलवाने का काम हमने अपने निजी स्तर से, अपने पैसा से कराने का काम किया है। वो जात पात और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, आप सोचिए। याद आपके खेत में कोई बड़ा जमींदार है, वही कुछ बेच सकता है, छोटा छोटा जमीन वाला कुछ ले नहीं आएगा, पुलिस अनाज लेने नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी और लीज करके चली जाएगी। 20 रुपए के जी हम धान ले रहे हैं, 20 रुपए के जी टमाटर ही रेट फिक्स कर देंगे। हर गरीब को 2 रुपए चावल देने का काम महागठबंधन ने किया था, कांग्रेस सरकार ने यूपी हुकूमत ने किया, जिसको ये लोग नहीं समझेंगे तो उनको लाने की व्यवस्था पहले कर देनी चाहिए। आपको उनको लाने नहीं खुलता है, कोई बीमार होता है तो कोई जाकर पूछता नहीं है कि आसमान का खून है, कि लाल का खून है, कि पंडित जी का खून है। कोई भी बीमार होता सबसे पहले बोलता भैया जान बचा लो, तब कोई जान पूछेगा। इसलिए मुझे भय होता है, मैं उस विधानसभा से आता हूँ जहाँ लोगों ने जात पात का बैरियर हटाया, जात पात को पीछे छोड़ा, समीकरण को पीछे छोड़ा और लोगों ने मुझे निकालने का काम किया। लोग कहते हैं महागठबंधन, पिछले बार ये महागठबंधन थी, इस जात का समीकरण था, उसको छोड़ के भी लोगों ने 25,000 अगर समीकरण का वोट हम लोग जोड़ते हैं, अगर समीकरण का वोट जोड़ते हैं, तभी जितना वोट से जुटा है आप लोग, जात का नहीं जमात का वोट था। मैं आज फिर से आप लोगों से वादा करता हूं, यह आप लोग को लगता है, आपका ये भाई आपको लगता है कि आप विधायक में बनने लायक है, तो अपने अपने बूथों पे कब्जा करना है और प्रण लेना है कि भैया इस बार हम ही विधायक होंगे, आप ही विधायक होंगे। लोगों को दिखाना है, लोगों को याद कराना है, पिछले 50 साल का इतिहास, पिछले 60 साल का इतिहास, उसके बाद पिछले 15 साल से हमारे 60 साल मामले का इतिहास। हम कहीं जाते हैं, जब हम इस विधानसभा में घूमते हैं, कहीं दूसरे विधानसभा में घूमते हैं, प्लस दूसरे भी विधायकों का पैसा, एमएलसी का फंड अपने विधानसभा में ला के काम कराने का काम किया है। मैं धन्यवाद करता हूं, जहां भी मौका पड़ा, जहां भी काम करने का मौका पड़ा, जहां भी आपकी आवाज उठाने का मौका पड़ा, चाहे वो रीगा मेल का ग्राउंड हो, चाहे वो विधानसभा का प्लेटफॉर्म हो, मैंने खड़ा होकर आप लोग की आवाज उठाई और अपने खून बहाने का काम किया।